वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और उठ चुके हैं भाई, 10 बजने का समय है। अनु कैसा है, तबीयत ठीक है अब? हाँ अभी ठीक है। कल तो ज्यादा लूज मोशन हो रहे थे इसको यार। चलो भाई ठीक है, मैं भी थोड़ा ठीक हूँ। ठीक है, तुम तो यार बीमार हो गए, शादी में एंजॉय भी नहीं करा तुम लोगों ने। लास्ट मोमेंट पे, जैसे कल रिसेप्शन है, एक दिन पहले ही है, फ्रेश फ्रेश हो लेते नहा धो करके, फिर अपना करते रोज का डेली का बेसिस का काम। और बच्चे नानी के जाएं और बीमार ना पड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये जरूरी नहीं है कि नानी के जाए बीमार पड़े। कहने का क्या मतलब है वहाँ बीमारी का घर है? नहीं पता है क्या, घर में तो बच्चे नहीं होते लेकिन नानी के जाते तो है ही। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या, प्लीज कमेंट करके बताना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नानी के जाते तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। या चोट लगेगी या बुखार होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है। हमें तो कुछ ना हुआ, हम भी तो नानी के गए, हमारा तो कोई फर्क ना पड़ा। हम तो खूब कुएं वुए पे जंगल जंगल सारे हमने छान मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। हम भी गए हैं, ऐसे बात नहीं कि हम भी गए, हम भी कभी बच्चे थे और जब जाते थे। जहाँ ज्यादा केयर होगी ना वहाँ बच्चा बीमार तो पड़ेगा। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, हमारी केयर नहीं हुई, हमें ऐसे ही छोड़ दिया कि जाओ टोलो कहीं भी है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा हो जाता है केयर। मौसम तो इतना कोई खतरनाक नहीं था, गर्मी तो डाउन है, सर्दी भी डाउन है। मशीन अपनी खराब हो गई, इसको सही करना है। अब इसको यार ये इसकी मोटर चेंज हमें करनी पड़ेगी, ले नहीं पा रही बिल्कुल भी, डाल रहे तो फ्री घूम रही है। तो इसकी चरखी चेक करता हूँ। अरविंद ने तैयारी कर दी है आलू के पराठे बनाने की, ये देखो छील दी आलू है। एक हफ्ते के लिए घर गई हुई थी, इसलिए सब्जी लाई नहीं, तो आज जाएंगे सब्जी ले आते हैं। फिर जब तक नहीं तो आलू तो मैं ले ही आया था, तो आलू यही बनाए जाओ, कुछ ना कुछ डिशेज जो मिले हैं ना। दो किलो आलू, चार किलो आलू। महंगी खिचड़ी बन गई, चल कोई नहीं, वो खिचड़ी खा लेगा जब तक। हाँ पराठे खा लेंगे। अच्छा खिला दिया उसको, अब तो ठीक है ना तभी तो उसकी, दस तो नहीं लग रहे उसको। और अनु अनु भी ठीक है। चलो ठीक है यार, ये कहाँ गया, मैं एक नीचे गया, फिर मैं उनको ये खाना बना रही है। मैं इसमें वॉशिंग मशीन को चेक कर लेता हूँ, इसमें जो जो परेशानी है। क्या बात, छील दिए छिलके हैं तो अन्य दुकान पर है, मयंक को बुलाना, उसकी क्लास है। मयंक वेयर इज मयंक? चलो जब तक मयंक आ रहा है उसको आवाज मैंने मार दी, इसको वॉशिंग मशीन को मैं ठीक कर। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, देखो ये ना फ्री हो चुका है, तभी ये मशीन लोड नहीं ले पा रही है। तो सबसे पहले इसको हम खोलेंगे, इसको फिर देखते हैं इसमें क्या चीज़ डैमेज है, या तो ये पूरा पीसी चेंज होगा। चलो इसको निकालते हैं फिर। दोस्तों फाइनली मशीन अपनी ठीक हो चुकी है, आप देखेंगे ये थोड़ा पोर्शन ढीला हो गया था, अब इसका हमने नीचे ये वाला स्क्रू टाइट कर दिया है, तो अब ये सही चलने लगा। देखो आप, पहले लोड नहीं ले रहा था, हल्का दब दिए फ्री हो रहा था, अब ठीक हो चुका है। लो भाई चाय आ गई, इतने बड़े मग में चाय तो ये कम लग रही है भाई, कुछ नहीं तो ये मिठाइयाँ खोल दी। चलो दोस्तों फिर इसको पहले खत्म करते हैं फटाफट से फिर। और बंदर क्या देख रहा है बाबू? जो जोगिंदर, ये देख रहा थारा भाई जोगिंदर की सीरीज है। और अनु तभी ठीक है, मस्त है, ओके। और ये वो जो पीले पीले चावल छोंक के मुझे खिला देती है, देख गौर से देखो उसको गौर से। पता है क्या, देखो हाँ पता है क्या, सुनो अब देखो, अभी ये सुनाएगी एज अ एक्सक्यूज। क्या होनी चाहिए एक्सक्यूज? खिचड़ी बनाई थी मैंने, हाँ खिचड़ी नहीं खाई मैंने, कहा तो तेरी मतलब खिचड़ी नहीं खाई तो सुनो तो पहले मैं चावल छोंक देंगे। फिर मैंने कहा पापा ने बोला आलू मटर की और आलू मटर की सब्जी और हाँ मैंने आलू मटर की, हमें पीले वाले चावल ही खाने पड़ेंगे और उसे खाकर यार मैं इतने एक हफ्ते से खा रहा था मैं पीले वाले चावल, मैं पता है क्या और हो चुका हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ वो खा कर, क्योंकि रोटियां देखो एक हफ्ते से मैंने भी खाना नहीं खाया था ढंग से, कभी मैगी कभी खिचड़ी कभी ये कभी वो, एक हफ्ते से मैं सो नहीं पाया ढंग से।
कि रोटियां खा तो थोड़ा चैन पड़ता है। मैं तुम्हारी ना रोटी सेक देती हूँ। नहीं नहीं अब चावल के साथ रोटी खिलाई। चावल के साथ कौन कह रहा है? आलू मटर दो आलू सोंग दूंगी। हाँ आलू मटर दो आलू और उससे मेरा पेट भर जाएगा। चलो दोस्तों ये तो झगड़ा चलता ही रहेगा, फिर इसको खा करके फिर मिलते। तो दोस्तों ये देखो मैंग को, मैंग कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? तबीयत खराब हो गई। तो मैंग का देखो वर्क किया जा रहा है। हाँ हाँ ये देखो कलर किया जा रहा है और मैंग आराम से बैठा हुआ है। ये देखो गौर से देखना इसको बिल्कुल। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो ठीक तो हो गया, पहले से तो फर्क है। अब इसकी हाँ बिल्कुल इसका वर्क जरूरी है दोस्तों, इसका वर्क जरूरी है करना क्योंकि सबमिट करना कल की डेट है ना। कल क्या? आज की डेट है। आज की डेट थी तो आज अर्जेंटली करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा ये अपने मामा के घर गया हुआ था और ये अपने घर गई हुई थी, ये मामा के ये अपने, तो आप लोग समझ सकते हैं। और अन्नू को देखो आराम से लेटा हुआ है, कचोरियों के मजे ले रहा है। तो दोस्तों ये अपने चावल आ चुके हैं पीले वाले, मेक बाई परवीन, और हम है खाने वाले इसको। मेक मतलब बनाए हुए, मेड नहीं, मेड इन तो हो जाता है जिसने निर्यात किया हो। मैं ठीक है, अन्नू के लिए स्पेशल बने भाई, अन्नू खा के बताएगा कैसा लगे। अन्नू को अच्छा लगा। धुल गए बर्तन तेरे? Yes. ये बिना बर्तन धोए ना सोती नहीं बिल्कुल भी। ये देखो उसकी आदत ऐसी है। कोई नहीं सोता। आप बताओ यार, सर्दी में अगर ज्यादा ठंड हो तो बर्तन कल भी धो सकते हैं मॉर्निंग में, है नहीं? लेकिन ये नहीं मानेगी, इसने कसम खाई है एक बर्तन नहीं छोड़ता। तो कल भी ग्रीन टी मेरी बनेगी नहीं बनेगी आज? बना रही हूँ रसोई। बिल्कुल दोस्तों, फिर अपनी ग्रीन टी पीते हैं, फिर आज का व्लॉग हम रसोई में एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं फिर से नए व्लॉग के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट एंड सी यू।